9 जून 2023 की रात द्वारका फायर स्टेशन के फायर फाइटर्स को आज भी वो रात डराती है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे जब द्वारका में नवजात शिशु सुविधा केंद्र द नेस्ट से एक SOS भेजा गया। सूचना मिलते ही 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में सवार होकर 50 फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे। 6 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय की गई। दमकल कर्मियों को वो रात याद है कि कैसे उन्होंने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। एंट्री गेट बंद था और पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था, लेकिन किसी ने 2 बार भी पलक नहीं झपकाई क्योंकि नवजात शिशुओं की जान दांव पर लगी थी। अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए पूरी टीम ने 19 नवजात शिशुओं को आग से सुरक्षित बचाया। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने बताया कि बेसमेंट में फर्नीचर तेजी से चल रहे थे, जिससे ऊपरी मंजिलें धुएं से भर गईं। समय सबसे महत्वपूर्ण था। जब एक टीम ने आग बुझाना शुरू किया तो दूसरी ने बचाव और निकासी अभियान शुरू कर दिया। हमारे दमकल कर्मियों ने जलते हुए अस्पताल में प्रवेश किया, वहाँ अफरा तफरी मची हुई थी। पहली मंजिल के गलियारों में धुआं भर गया था। एक फायर फाइटर ने उस मौके को याद करते हुए बताया कि नर्स और डॉक्टर्स ने हमें बताया कि 20 नवजात शिशु, जिनमें से कुछ 2 दिन के भी नहीं थे, अंदर फंसे हुए थे। हमने वहां मौजूद कर्मचारियों से कहा कि वो अपने चेहरे कपड़े से ढक लें। कुछ बच्चे मेडिकल सपोर्ट पर थे। हमने चिकित्सा उपकरण हटा दिए और खिड़कियां तोड़ दी। फिर हमने तेजी से भागने के लिए लोहे की जाली वाले पुल वाली पतली गैलरी का इस्तेमाल किया। एक एक करके दमकल कर्मियों ने बच्चों को अपनी बाहों में उठाया, उन्हें तौलिए में लपेटा और बाहर निकलना शुरू किया। नवजात बच्चों को सावधानी से पास के एक रेस्टोरेंट में ले जाया गया। वहां से एम्बुलेंस ने उन्हें आगे की देखभाल के लिए दूसरे अस्पतालों में पहुँचाया। अतुल गर्ग ने बताया कि तमाम नवजात शिशु सुरक्षित रहे। अगर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, लेकिन 1 घंटे के बाद इस पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने अस्पताल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसने दावा किया कि उसकी इमारत की ऊंचाई 9 मीटर से कम थी, इसलिए उसे फायर NOC की जरूरत नहीं थी। ठीक 1 साल बाद विवेक विहार चाइल्ड केयर में आग लगी, लेकिन इस हादसे में 7 बच्चों की मौत हो जाती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।